फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूनिक टेलरिंग टेक्निक। आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर सा टॉप का डिजाइन शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसे जॉर्जेट फैब्रिक में से भी बना सकते हैं, या फिर आप इसे रेयन फैब्रिक या फिर कॉटन फैब्रिक में से भी बना सकते हैं। लेकिन ये मेरे पास क्रेप का फैब्रिक रखा हुआ था, सो इसी में से मैं आज आपको बहुत ही सुंदर से टॉप की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको डिजाइन अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत ही आसान तरीके से आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 44 इंच की है। तो देखिए, इसे इस तरह से मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। तो डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई होगी वो 22 इंच की होगी। और वैसे तो मेरे पास ये 2.5 मीटर फैब्रिक है, लेकिन इसमें से हमें सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक की ही जरूरत होगी। तो 2 मीटर में आपका टॉप बराबर से बन जाएगा। तो इसे हम एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, तो ये हमारी 4 फोल्ड हो जाएगी। और फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच की रहेगी। तो जैसे कि हम 36 इंच का टॉप बनाने वाले हैं, तो 11 इंच की चौड़ाई हमें काफी रहेगी। अगर आप ज्यादा बड़ी साइज का बनाते हैं तो आपको इसे इस तरह से विड्थ वाइज फोल्ड करना होगा, लेकिन हम 36 इंच का बनाने वाले हैं तो 11 इंच की चौड़ाई हमें काफी रहेगी। तो इस तरह से मैंने इसे 4 फोल्ड किया हुआ है। 2 मीटर में से हमारी स्लीव भी निकल जाएगी और आगे जो हम डिजाइन बनाने वाले हैं वो भी निकल जाएगी। तो आपको टोटल 2 मीटर फैब्रिक ही लेना होगा। तो इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि अगर हमारा फैब्रिक टेढ़ा मेढ़ा होता है तो उसे हम सीधा करके कट कर लेंगे। और इतना फैब्रिक हमें कट कर लेना है। अभी यहाँ से ये फैब्रिक हमारा बिल्कुल सीधा हो चुका है। अभी हम पहले टॉप पार्ट की लंबाई कट कर लेंगे। तो देखिए, हम टॉप का पार्ट और बॉटम का पार्ट अलग अलग कट करने वाले हैं। तो पहले हम टॉप पार्ट कट कर लेते हैं। तो देखिए, टॉप पार्ट की जो रेडी लंबाई मैं रखने वाली हूँ 14 इंच की रखने वाली हूँ। आप 15 इंच की भी रख सकते हैं या फिर 16 इंच की भी रख सकते हैं। तो 14 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से हमें टोटल 1 इंच लंबाई एक्स्ट्रा लेनी है। तो यहाँ से हमें 15 इंच की लंबाई में इसे कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से 15 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को भी हमें सीधा ड्रॉ कर लेना है सीधी लाइन बनाते हुए। और इतना फैब्रिक हमें कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से 15 इंच तक का फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। अभी ये जो नीचे वाला बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से हम स्लीव भी कट करेंगे, बॉटम पार्ट की भी कटिंग करेंगे और जो आगे हम डिजाइन बनाने वाले हैं उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट का मेजरमेंट देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो टॉप पार्ट मैंने कट किया था उसे मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। इस तरह से मैंने इसे 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। और जैसे कि इसकी लंबाई हमने 15 इंच की रखी थी, तो 14 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। अभी ऊपर से देखिए, शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि देखिए शोल्डर हमारा 14 इंच का है तो उसका आधा होता है 7 इंच। और हम इसमें डीप नेक बनाने वाले हैं आगे की तरफ से, और पीछे से हम इसमें 3 इंच का गला बनाने वाले हैं। तो इसलिए आधा इंच शोल्डर में चौड़ाई हमें एक्स्ट्रा लेनी होती है। तो इसलिए मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। आपका शोल्डर का जो भी मेजरमेंट हो उसमें आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम आगे से डीप नेक बनाने वाले हैं और पीछे से हम सिर्फ 3 इंच का ही गला बनाने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने 7.5 इंच का शोल्डर लिया हुआ है। अभी आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी देखिए, यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो चेस्ट है हमारी 36 इंच और उसका चौथा भाग होता है 9 इंच, और उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमें 11 इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। अभी देखिए, बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का मेजरमेंट लेना है। तो कमर है हमारी 32 इंच और उसका चौथा भाग होता है 8 इंच,
और उसमें भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से नीचे से भी हमें 10 इंच पर निशान लगाना है। तो आपकी कमर का जो भी मेजरमेंट हो उसका 1/4 भाग करना है और उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है, देखिए इस तरह से। अभी देखिए गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें आगे से डीप नेक बनाने वाले हैं और पीछे से हम सिर्फ 3 इंच का ही गला बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की ही लेनी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो पीछे की गले की लंबाई हमने 3 इंच की रखी है और आगे की गले की लंबाई हमने 6.5 इंच की रखी है। आप आगे की गले की लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी देखिए पीछे के गले के लिए हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और आगे के गले के लिए हम स्क्वायर शेप ड्रॉ करने वाले हैं। तो नीचे से भी हम 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से हमें इसमें स्क्वायर शेप ड्रॉ कर लेना है, देखिए इस तरह से। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें 1/2 इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है 1/2 इंच पर निशान लगाते हुए। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद देखिए हम फ्रंट पार्ट में ये जो हमने 3 इंच पर स्क्वायर शेप ड्रॉ किया है वैसा ही 3 इंच का निशान हम नीचे से भी लगाएंगे। तो देखिए नीचे से भी हमें 3 इंच की चौड़ाई रखनी है और इस तरह से निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऊपर तक, देखिए इस तरह से। अभी यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे ताकि बाद में हम जब एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करेंगे तो गले की लंबाई हमें मालूम पड़े। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है और फ्रंट आर्म होल की भी हमें कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और आगे के लिए ये हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। अभी इसके बीच में हम डिज़ाइन बनाएंगे जो कि हम बाद में कट करेंगे। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई है। इस तरह से मैंने इसे 4 लेयर में बिछाया हुआ है। अभी देखिए जितना भी मेरा फैब्रिक था उसमें से स्लीव का फैब्रिक मैंने अलग से कट कर लिया है और स्लीव को कट करने के बाद जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसे मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। अभी देखिए हमें बैक वाला पार्ट लेना है और जो किनारे वाली साइड है वहाँ पर हमें 1/2 इंच हमें इस तरह से छोड़ते हुए बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर चढ़ा देना है। तो 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा इसलिए 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा छोड़ देना है। उसके बाद देखिए ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसकी जो चौड़ाई है वो कम से कम हमें 5 या फिर 6 इंच की लेनी होगी। तो इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें लेना होगा क्योंकि आगे की साइड और पीछे की साइड हम इसमें प्लेट्स लगाने वाले हैं। तो इतना फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा लेना ही होगा। तो मेरी जो फैब्रिक की चौड़ाई है वो 6 इंच एक्स्ट्रा है। तो ये डबल में बिछाया हुआ है तो इसे सिंगल करेंगे तो ये 12 इंच की चौड़ाई हो जाएगी। तो इतनी चौड़ाई काफ़ी रहेगी। अभी देखिए टॉप पार्ट की जो पूरी लंबाई में रखने वाली हूँ वो 28 इंच की रखने वाली हूँ। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए। तो शोल्डर से हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है और 29 इंच पर इस तरह से निशान लगा देना है। अभी देखिए टॉप पार्ट को हटा देंगे तो इसकी लंबाई हम चेक कर लेते हैं कितनी है। तो ये 15 इंच की लंबाई हमारी आ रही है। अभी देखिए बंद वाली साइड से भी हमें इस तरह से 15 इंच पर निशान लगा देना है और 15 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए इतना फैब्रिक हमें कट कर देना है। तो ये हमारी बॉटम पार्ट की भी कटिंग हो जाएगी। अभी देखिए ऊपर से भी इसकी बंद वाली साइड है तो इसे भी हमें कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, देखिए इस तरह से। अभी ये हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं आगे और पीछे के लिए। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो बचा हुआ जो फैब्रिक था उसे मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई है। और देखिए इसकी जो लंबाई है वो मैं 21 इंच की रेडी रखने वाली हूँ। तो 1.5 इंच हमें स्लीव में एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा
और 1 इंच नीचे से बॉर्डर को फोल्ड करने में जाएगा, तो टोटल हमें 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने 22.5 इंच की रखी है और ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 8.5 इंच की रखी है। अभी 3 इंच पर हम कैप्सूल की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे और बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर निशान लगा देना है और 3 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है, देखिए इस तरह से। अभी नीचे से जो मेरी स्लीव की चौड़ाई है वो 4 इंच की है, तो उसमें 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाया है। आपकी स्लीव का जो भी मेजरमेंट हो उसका आधा करना है और उसमें आपको 1.5 या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, तो मैंने सिर्फ 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है, तो मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाया है और साइड से भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है, तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए हमने स्लीव की भी कटिंग कर ली है और ये हमारी 2 स्लीव है आप देख सकते हैं। अभी देखिए हम फ्रंट पार्ट में आगे की तरफ जो प्लीट्स वाले डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो उसके लिए जो बॉटम पार्ट हमने कट किया था उसके नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसे ही मैंने ले लिया है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 27 इंच की रखी है। आपके पास 25 इंच की लंबाई होगी तो भी चल जाएगा और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 10 इंच की रखी है। अभी ऊपर से जो इसकी बॉर्डर है उसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद देखिए ये वाला जो हमारा फैब्रिक है उसमें हमें बड़ा टाका करके सिलाई लगानी है, तो दोनों साइड पर 1 इंच का गेप छोड़ते हुए हमें बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं आपको मशीन पर बताती हूँ। तो सबसे पहले ऊपर वाली जो बॉर्डर है उसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद दोनों साइड के किनारे के ऊपर हम बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हमें एक धागे को हल्के हल्के खींचना है और इसकी गैदर्स बना लेनी है और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हमने जो सिलाई लगाई है तो एक धागे को खींचते हुए हम इसकी भी गैदर्स बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने गैदर्स बना ली है दोनों ही साइड से। अभी देखिए गले की जो चौड़ाई हमने रखी थी वो 3 इंच की रखी थी, तो इसे हम डबल करेंगे तो 6 इंच हो जाएगा। तो सेंटर में हमने जो 6 इंच का फैब्रिक कट किया था उतना ही हमें इसमें निशान लगाना है। तो पहले हम सेंटर में एक निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम दोनों साइड पर 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि जो फ्रंट के पार्ट हमने कट किए हैं उन दोनों साइड पर हम अलग से पट्टी भी लगाएंगे तो 1/4 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो इसलिए दोनों साइड से हमें 3.25 इंच पर निशान लगाना है। देखिए सेंटर से हम 3.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और इस निशान को हमें नीचे तक इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो दोनों साइड पर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी देखिए ये जो हमारा फ्रंट वाले दोनों ही पार्ट है उसके ऊपर पहले हम पट्टी लगाकर इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। तो सीधी साइड से ही हमें सीधी ही पट्टी को लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर मोड़ देना है और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम सीधी ही पट्टी को रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट कलर में यहाँ पर कोई पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सीधी पट्टी ही लगाने वाली हूँ और पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है। तो देखिए मैंने दोनों ही साइड पर पट्टी को अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगाकर पट्टी को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड में। अभी देखिए हम गले की लंबाई के लिए यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो गले की लंबाई हम 6.5 इंच की रखने वाले हैं, तो हमें शोल्डर से 6.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा देने हैं दोनों ही पार्ट में। देखिए इस तरह से हम 6.5 इंच पर निशान लगा देंगे दोनों ही पार्ट्स में। अभी देखिए ये जो हमने गैदर्स बनाई हुई है उसे हमें अच्छे से सेट करते हुए इसके ऊपर अटैच करना है। तो देखिए जो ऊपर से किनारी वाली बॉर्डर को हमने फोल्ड किया था उसे हमें इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है और ये जो हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया है वहीं पर हमें इस प्लेट्स वाले पार्ट्स को अटैच करना है। तो जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसी के ऊपर हमें जो फ्रंट का पार्ट है उसे रखना है और इसके ऊपर हम पहले पिंस लगा लेंगे। उसके बाद दूसरी साइड पर भी हमें जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसी के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें पिंस लगा देनी है और पिंस लगाने के बाद ही हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई इधर उधर ना लग जाए।
और सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा जो नीचे का फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो देखिए आपको गैदर्स को अच्छे से सेट करते जाना है और उसके बाद ही आपको इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम गैदर्स को सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और पीछे की साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बचता है उसकी हमें कटिंग कर देनी है। तो ये कटिंग आपको ध्यान से करनी है। और देखिए इस तरह से आगे वाला डिज़ाइन हमने रेडी कर लिया है और दोनों साइड पर हमने एक एक सिलाई और लगा दी है। अभी हम इसके ऊपर बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए जहाँ पर हमने ये जो डिज़ाइन बनाया हुआ है उतना जो हमारा पार्ट है उसमें हमें गैदर्स बनानी है। आप चाहे तो गैदर्स भी बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो प्लीट्स भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्लीट्स लगाने वाली हूँ। तो जहाँ तक हमारा डिज़ाइन है वहाँ तक हमें देखिए किनारी वाली साइड से इसमें पिन्स लगा देनी है और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी किनारी वाली साइड से हम इसमें पिन्स लगा देंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हमें पिन्स लगाकर बॉटम वाले पार्ट को अटैच कर लेना है। उसके बाद जितना भी फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा बचता है सेंटर में उसकी हमें छोटी छोटी सी प्लीट्स लगानी है या फिर आप चाहे तो यहाँ पर बड़ा टाका करके इसमें गैदर्स भी बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर प्लेट्स लगाऊंगी तो बहुत ही आसानी से हमारी प्लेट्स लग जाएगी। जितना हमारा फ्रंट में डिज़ाइन है उतनी ही हमें यहाँ पर प्लेट्स को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए बैक वाला नेक भी हम रेडी कर लेंगे। तो बैक नेक के ऊपर हमें तिरछी पट्टी लगानी है। सीधी साइड से ही पट्टी को रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देंगे। उसके बाद बैक पार्ट में भी हम प्लेट्स लगाने वाले हैं। तो पहले बैक पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए बिल्कुल सेंटर में हमें एक कट लगा देना है। बिल्कुल छोटा सा ही हमें कट लगाना है। उसके बाद जो हमने सेंटर में कट लगाया है उसके दोनों ही साइड पर हमें 3-3 इंच पर निशान लगाना है। क्योंकि गले की चौड़ाई हमने 3 इंच की ही रखी थी तो हम 3 इंच की ही नीचे की साइड पर भी गैदर्स सेट कर लेंगे। तो दोनों ही साइड पर मैंने 3-3 इंच पर निशान लगा दिया है। अभी जो बीच में हमारा 6 इंच का गैप है उतनी ही हमें इसमें भी प्लेट्स लगानी है। तो जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक तो हमें बॉटम पार्ट को ऐसे ही अटैच करना है। उसके बाद सेंटर में हमें 6 इंच तक की इस तरह से प्लेट्स लगानी है और प्लेट्स लगाने के बाद दूसरी साइड पर भी किनारी वाले पार्ट से हम इसे अटैच कर लेंगे और सेंटर में हमें बिल्कुल 6 इंच के गैप पर इसकी प्लेट्स लगाते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने बैक नेक पर पट्टी अटैच कर ली है और बैक वाले पार्ट में भी मैंने गैदर्स लगाकर बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है और फ्रंट पार्ट में भी मैंने गैदर्स लगाकर बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अभी फ्रंट वाला पार्ट हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर बैक वाला पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें स्लीव को सेंटर से ही उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो सेंटर से अगर हम स्लीव को अटैच करते हैं तो स्लीव हमारी परफेक्ट तरीके से बैठ जाती है। उसके बाद जो स्लीव की नीचे की बॉर्डर है उसे हम डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम स्लीव को अटैच कर लेंगे और इसकी बॉर्डर को भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और स्लीव की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है और दोनों ही स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है और इसकी बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी टॉप पार्ट को हमें उल्टा कर लेना है और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो स्लीव में हमने 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ा था तो स्लीव में हमें 1.5 इंच का ही गैप रखना है और कमर की साइड पर हम 2 इंच का गैप रखते हुए नीचे से हमें सिर्फ 1 इंच का ही गैप रखना है और इसकी फिटिंग कर लेनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हमें 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। देखिए फ्रेंड्स ये टॉप हमारा बनकर रेडी हो गया है और देखिए इस तरह से इसकी लंबी वाली स्लीव बनाई है मैंने। चाहे तो 3/4 स्लीव भी बना सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसे स्टिचिंग करना बताया है, आप इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये टॉप हमारा बनकर रेडी हो चुका है और देखिए ये है इसका फाइनल लुक। देखिए आगे से इस तरह से इसमें प्लेट्स लगाई है हमने, यानी कि गैदर्स बनाई है और नीचे की तरफ भी इस तरह से इसकी प्लेट्स लगी हुई है।
कितना सुंदर लग रहा है हमारा ये टॉप। तो फ्रेंड्स, अगर जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं तो आपका भी ये टॉप बहुत ही सुंदर तरीके से बन जाता है। तो अगर आप टॉप पहनते हैं तो जरूर से ये वाला टॉप ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।